एक बार शीतला माता के श्राप से घर की छोटी बहू की संतान का जीवन संकट में आ गया, लेकिन किसे खबर थी कि जरा सी सूझबूझ से सारी समस्या का निवारण हो जाएगा और सबकी आंखें खुल जाएंगी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके दो पुत्र और बहुएं थी और दोनों बहुओं की एक एक संतान थी। दोनों बहुएं विपरीत स्वभाव की थी। जहाँ बड़ी बहू झगड़ालू और आलसी थी, वहीं छोटी बहू सौम्य, मिलनसार और धार्मिक थी। जब शीतला सप्तमी का दिन आया, बुढ़िया ने छोटी बहू को शीतला माता को भोग लगाने के लिए कहा। छोटी बहू ने आज्ञा का पालन करते हुए भोजन तैयार करना शुरू किया। इसी बीच उसका बच्चा रोने लगा। वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने लगी। पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। उसे चूल्हे की आग को बुझाना याद नहीं रहा। इधर शीतला माता अपने भक्तों की हालचाल जानने आई। घूमते घूमते उनके घर में आ पहुंची और देखा कि चूल्हे की आग जल रही है। उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में उनका शरीर जल गया, जिससे वे पीड़ित हो उठी। दर्द से व्याकुल शीतला माता को क्रोध आ गया और उन्होंने छोटी बहू को श्राप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है, तुम्हारे गर्भ की संतान भी जलेगी। जब बहू की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उसका बच्चा जलने की वजह से मर गया था। वह घबरा गई। सास यह सब देखकर समझ गई कि यह सब शीतला माता का प्रकोप है। उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। सास की सलाह मानते हुए बहू ने अपने मरे हुए बच्चे को एक टोकरी में रखा और शीतला माता की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे दो खारे पानी के तालाब मिले जिनका कोई उपयोग नहीं करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने सारी कहानी सुनाई। तालाब ने खुश होकर कहा, तुम शीतला माता से हमारी मुक्ति का उपाय भी पूछना। छोटी बहू ने उनकी बात मान ली और अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ा आगे जाने पर बहू को दो बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। बहू को देखकर बैलों ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने उसे भी सारी कहानी बता दी। दोनों बैलों ने भी प्रार्थना की कि शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। बहू ने बैलों की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे चलकर उन्हें एक बुढ़िया मिली जो लगातार अपने सिर को खुजला रही थी। बुढ़िया ने बहू से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने उसे अपनी सारी कहानी बताई। बातें सुनकर बुढ़िया ने कहा, तुम मेरा सिर खुजला दोगी। बहू ने बच्चे की टोकरी उसे पकड़ा दी और वो बूढ़ी के सिर से जुए निकालने लगी। सारी जुए निकल जाने पर उनकी खुजली ठीक हो गई। तब उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो गया है। वह बुढ़िया के चरणों में गिर गई। वह समझ गई कि यही शीतला माता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। माता ने अपना अभिशाप वापस लिया और बहू को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। बहू ने जब माता से दोनों तालाबों के कल्याण की प्रार्थना की तो माता ने बताया, वे दोनों पिछले जन्म में सौतन थी, बहुत झगड़ालू थी, धर्म पूजा पाठ भी नहीं करती थी, साधु संतों का सम्मान नहीं करती थी। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है। तुम यदि उस तालाब का पानी पी लोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर बहू ने बैलों की कहानी सुनाई। तब माता ने कहा, वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी, आपस में मारपीट करती थी, इस कारण घर के कामकाज भी नहीं करती थी, वे नास्तिक भी थी। उन्हें भी इसी का फल मिला है कि वो बैल बनी। तुम उनके गले की पट्टी खोल देना तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बहू ने माँ का आशीर्वाद लेकर घर की ओर रुख किया। घर पहुंचकर उसने सास और जेठानी को पूरी घटना सुनाई। जब जेठानी ने छोटी बहू की संपन्नता देखी तो ईर्ष्या से भर उठी और उसने भी शीतला माता से वरदान पाने का निश्चय किया। अगले वर्ष उसने भी शीतला सप्तमी के दिन वही सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही अभिशाप दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरी सुबह उसका बच्चा भी जलकर मरा पड़ा मिला। वह भी अपने बच्चे को लेकर माता की खोज में निकली। रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उन्होंने बड़ी बहू से उनके उद्धार के लिए माता से विनती करने को कहा। उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ और तुम्हें अपनी बड़ी है, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। फिर उसे वही बूढ़ी औरत मिली। उसने बहू से सिर के जुए निकालने को कहा, पर बहू ने उसे उल्टा सीधा कहा और आगे बढ़ गई। वह दिन भर भटकती रही। शीतला माता कहीं न मिली। थक हार कर वह घर लौट आई।
धनवान बनने के चक्कर में वो अपनी संतान से भी हाथ धो बैठी। तो आपको यह स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।